चूंटणी परिणामों बाद पहली बार वाराणसी पहुंचा था। गंगा आरती पूरी थया बाद घाट ऊपर हाजर स्थानिक लोगों भारत माता की जय नारा लगाव्या अने पीएम मोदी नु अभिवादन कर्यु। पीएम नरेंद्र मोदी की काशी की मुलाकात मात्र खेडूत सम्मेलन माटे नहोती, परंतु पीएम मोदी ने लोकसभा चूंटणी में सतत त्रीजी वक्त जीतना आशीर्वाद मळ्या बाद थई हती। तेमज किसान सम्मान निधि 17मा हप्ता में 20,000 करोड़ रुपया बहार पाड़वामां आव्या हता। आ उपरांत प्रधानमंत्रीए कृषि सखीओ तरीके प्रशिक्षित 30,000 थी वधु स्वसहाय जूथों ने प्रमाणपत्रनुं पण वितरण कर्युं हतुं। पीएम मोदी जयरे वाराणसी मतदाताओं आभार मानवा आया तरह वाराणसी एज उत्साह थी स्वागत करूत। आ प्रवास में पीएम मोदी माता गंगा की आरती और काशी विश्वनाथ की पूजा आशीर्वाद लेवाना है। ए पची पीएम मोदी वाराणसी दाशाश्व मेघ घाट पर गंगा आरती करी पीएम मोदी साथ राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हाजर रहा था। गंगा आरती पूरी थया बाद घाट उपर हाजर स्थानिक लोकोए भारत माता की जय जेवा नारा लगाव्या अने पीएम मोदी नु अभिवादन कर्यु हतु। त्यारबाद पीएम मोदी अहींथी काशी विश्वनाथ मंदिर पहोंच्या अने पूजा अर्चना करी हती। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। साथियों, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ यह चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है। जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं,